इस लैंडस्केप को देखकर आप सोच में पड़ जाएं या डरें या एक्साइटेड हो, पर यह सच में एग्जिस्ट करता है और बहुत ही कम लोग इस जगह के बारे में जानते हैं। रियलिटी में तो हम और आप मून पर पता नहीं कब जाएं, पर हाँ, ये मून के जैसे दिखने वाली लैंड पर आप कभी भी आ सकते हैं। ये जगह है लद्दाख का एक छोटा सा विलेज लामायुरु, जो लेह एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर है। विलेज के टॉप में है लामायुरु मॉनास्ट्री और इस मोनेस्ट्री के आसपास बने कुछ 100 घर जितना है ये विलेज। इस बहुत ही स्ट्रेंज दिखने वाले लैंडस्केप पर बने हुए घर और भी स्ट्रेंज हैं, जो केव्स या गुफाओं में बने हुए हैं। और आप जब भी इस जगह को देखते हो तो बस एक ही सवाल दिमाग में आता है कि ये मूनलैंड बनी कैसे। ये जानने मैं गया यहाँ की मोनेस्ट्री में, लामायुरु मोनेस्ट्री। सबसे पहले ये जो लामायुरु के जो पूरे लैंड थे, यहाँ पे जो अब दिख रहा है स्ट्रक्चर थे, पूरा लेक थे। सबसे पहले ये पूरा पानी में डूबा हुआ था पूरा एरिया, और ये जो गुम्पा के बीच में जो एक स्ट्रक्चर थे वो पानी के ऊपर निकले हुए थे, बाकी सारे पानी के अंदर ही थे लेक में। ये जो आगे जो मूनलैंड अब दिख रहा है वो भी एक हमें बताता है कि हाँ, बहुत पहले यहाँ पे लेक थे, क्योंकि वो जो लेक के जो मड है वो एक जगह इकट्ठे हो गए थे। जब वाटर वेनिश हो गया, वाटर ड्रेन हो गया, तो वहाँ पे जो मड है वो रह गया, अपना पानी जाते जाते सूख गया, तो मड का स्ट्रक्चर ऐसे वो उस जगह पे रह गया। ठीक है जी। अब अभी आप छोटा सा पोंड ले लीजिए, वो अगर ड्रेनेज हो जाता है तो आराम से ड्रेनेज हो जाता है, तो उसका जो मड है वहाँ पे रह जाता है। तो इस तरह से उसका मड वहाँ पे रह गया, तो अभी हम उसको मूनलैंड कहते हैं। ये मूनलैंड एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है नेचुरल वंडर्स का, कैसे एक लेक ड्राई होकर अपने पीछे इस मड स्ट्रक्चर को छोड़ जाती है। और लेक ड्राई होने का एक स्पिरिचुअल बिलीफ भी है। बुद्धिस्ट गुरु नरोपा ने लामायुरु मोनेस्ट्री का फाउंडेशन स्टोन रखा था और माना जाता है कि उनके प्रेयर्स की वजह से ही ये लेक ड्राई हो गई और यहाँ पर विलेज और मोनेस्ट्री बन पाए। और इसी वजह से यहाँ के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है नरोपा मेडिटेशन हिल। मोनेस्ट्री के जस्ट ऑपोजिट एक हिल्स है, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मेडिटेशंस वो है, अपना अपना बनाया हुआ होम्स है, जो मेडिटेशन सेंटर है। बहुत सारे लामा जीस और बहुत सारे गुरु जीस ने यहाँ पे मेडिटेट करके ये रिचुअल्स वो करके आपने मतलब निर्वाणा प्राप्त किए होंगे, तो इससे भी एक रिलेट कर सकते हैं कि हम हाँ वाकई में एक ब्लेसफुल और एक अच्छा जगह है। लामायुरु का ये लैंडस्केप सच में एक ऐसी जगह है जो मैंने और शायद बहुत लोगों ने पहली बार ही देखी हो। जब आप इस जगह को देखते हो तो एक अलग ही वर्ल्ड आपके सामने होता है, पर सिर्फ इस मड स्ट्रक्चर की वजह से इसको मूनलैंड नहीं कहा जाता। इसके पीछे कुछ और रीजंस भी हैं। मूनलैंड क्यों कहते हैं इसका मैंने सुना है कई रीज़न। एक तो ये सिमिलर टू मून में जो जैसे मिट्टी होते हैं उस टाइप का मिट्टी है, इसलिए मूनलैंड कहते हैं। और एक रीज़न ये भी है कि ये मून जब रिफ्लेक्ट करते हैं, जब फुल मून डे होते हैं तो ये और मिट्टी से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है मूनलाइट को, तो फिर ऐसे करके फिर इसको बोला गया कि मूनलैंड करके नाम दिया गया है। मैं जिस टाइम यहाँ गया था तो इतना लक्की नहीं था कि इसको फुल मून की नाइट में देख सकूं, पर फुल मून की नाइट में मूनलैंड का ये मड स्ट्रक्चर ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है कि ऐसा लगता है जैसे आप मून के सरफेस पे खड़े हो। अब अगर कभी आपको मन हो मून को देखकर उसके पास जाने का, तो आपको पता है कि मून अब ज़्यादा दूर नहीं है।